तो भाई रोड पे और सिंगल रोड पे डबल लेन पे ऐसे भी चला लेते हैं, लेकिन मेन दिक्कत आती है जब गलियों में बिल्कुल लोकल्स में चलाते हैं, जैसे कि दोनों तरफ कोई ना कोई व्हीकल खड़े हो या कोई आ जा रहा हो, जैसे सब्जी मंडी मार्केट टाइप हो गया। तो अभी हम आए हैं भाई गलियों में, और गलियों में देखते हैं कि कैसे क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कार को किस ढंग से चलाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए भाई, यहाँ पे चौराहा आ गया है तो ये नहीं सीधा निकाल दो, एक बार दूर से होने दो, एक बार पास जाके, ताकि कोई भी हो तो वो तुरंत हट जाए, क्योंकि एकदम यहाँ से टक्कर लग सकते हैं, उससे आपका भी नुकसान होगा और उसका भी होगा। दोबारा से चौराहा आ गया यहाँ पे, तो भाई दोबारा होने दो। सामने देखिए बाइक वाला है, काफी जगह पड़ी है, मैं आराम से निकल सकता हूँ, और इधर लेफ्ट में सिल्ली खड़ी हुई थी जो टायर को काट देंगी, तो मुझे राइट में लेनी पड़ी। अब मुझे राइट में जाना है, यहाँ पे भाई हॉर्न देखे बिल्कुल स्लो, क्योंकि एकदम खड़ा मोड है, ये कार ने टर्न कर लिया, स्टेयरिंग छोड़ देता हूँ अपने आप, ये सीधी होगी। सामने देख सकते हैं लेफ्ट साइड में दुकान का सामान रखा, राइट में अंकल बैठे हुए हैं बाल्टी रख के, इसके बीच में से कार निकल जाएगी बिना कोई सामान हटाए, बस करना क्या है अपना हाफ क्लच में चलो। यहाँ पे देखिए भाई, जैसे सामने से आ गई थी बाइक तो पासिंग करके साइड कर लेना, सामने ले आता तो दिक्कत होती कहीं नहीं जाने की थी फिर कोई सी भी चीज। सामने देखिए लेफ्ट में उठा होगा, ये राइट में वैगनार है, तो वैगनार के बिल्कुल पास लेके फिर लेफ्ट में कटाई करेंगे हम। ड्राइवर साइड चेक, कितना कम स्पेस हो आपको ज्यादा ड्राइवर साइड ही दबा के रखनी है, कंडक्टर साइड में आपको दबानी कम है, क्योंकि कंडक्टर साइड का भाई अंदाजा होता है दिखता नहीं है, ड्राइवर साइड का थोड़ा ज्यादा पता लग जाता है। ब्रेक कर है तो कार पहले गियर में ही है, हल्का से एक्सेलरेट करके सेकंड गियर, लेकिन रेस नहीं दे रहा हूं मैं क्योंकि आगे दोबारा मोड है। फिर से भाई अपना ब्रेक दबाइए, सेकंड गियर में ही है, कहीं हॉर्न मार के मोड़ लो, हॉर्न भाई बहुत जरूरी होती है मोड़ों के। सेकंड गियर करके अपना चल देंगे, सामने देखिएगा स्कूटी खड़ी है तो पहले हॉर्न मार देते हैं, वो हटानी पड़ेगी, वैसे कार निकल जाएगी इसे बिना हटाए, लेकिन जो बिजनेस है भाई वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले अपना, खाली रास्ते पर ही कार को चलाएं, क्योंकि थोड़ा वो स्क्रैच लग जाए नुकसान हो जाए तो रिस्क ना ले। यहाँ पे भी हॉर्न मारना जरूरी था भाई, हॉर्न तो गली में जितने मारो उतने कम है, ये भी नहीं कि फालतू में लगे रहो, लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़े वहीं पर। एक बात और ध्यान रखिए भाई, कभी भी हार्ड ब्रेकिंग ना करें, चाहे वो रोड हो, चाहे वो गली हो, चाहे हाईवे हो, कुछ भी हो, क्योंकि पीछे जैसे मेरे जस्ट बिल्कुल बाइक चल रही है तो हार्ड ब्रेकिंग करूंगा तो बाइक सीधी आगे कार में टकरा जाएगी। बाइक गलियों में एक दिक्कत रहती है, गड्ढे और ब्रेकर बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी मुझे राइट में जाना है, मुझे मेन रोड पे चढ़ना है जो सिंगल रोड है, दोनों तरफ से चल रहा है, खूब चल रहा है ये। सबसे पहले इंडिकेटर देखेंगे यहाँ पे, किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें राइट में जाना है ना, तो राइट में देखेंगे कोई नहीं आ रहा, रॉन्ग साइड में, फिर पीछे देखा भाई पीछे भी कोई नहीं है, तो बीच सी में करके अपना चढ़ा लो गाड़ी को रोड पे। जैसे कि चढ़ा दिया भाई, मुझे दोबारा से मान लीजिए अब मुझे लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या करूंगा मैं, सिर्फ अपने ओआरबीएम में देखिए कोई नहीं, और एक सामने से देख ले चौराहा है जैसे, तो सामने से भी अपना कोई नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट में हम चल सकते हैं जो कि सेफ है। तो भाई वीडियो में ये कुछ जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर दो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद।